सो गाइज, अभी मैं बना रही हूँ बटर चिकन। तो मैं बताती हूँ मैंने क्या इसमें प्रोसेस किया है। सबसे पहले मैं ना ऑयल ऐड किया, उसमें थोड़ा सा ज़ीरा ऐड किया, और उसके बाद जो अनियन चॉप था वो ऐड किया, फिर मिर्चा, टमाटर और काजू। ओके, सबको अच्छे तरीके से पूरा एकदम ये हल्का ब्राउन होने के बाद उसे थोड़ा देर हम रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। ओके, और उसके बाद ये थोड़ा सा कोल्ड हो जाएगा तो इसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे। इसको बस हल्का और थोड़ा सा ब्राउन होने देंगे, इसके ऊपर का ना मिक्सर निकल जाता है। तो थोड़ा देर ये हो गया लगभग, फिर हम रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। और उसके बाद का प्रोसेस हम बताते हैं, मतलब बटर। सो हमने चिकन को मैरिनेट अच्छे से कर लिया है, अब इसको फ्राई करेंगे। इसको फ्राई करेंगे, ऑयल इसमें ऐड कर दिया। इसमें मैंने क्या क्या ऐड किया है मैं बताती हूँ। इसमें मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है, लाल मिर्च और नमक एंड गोल्डन जीरा पाउडर। ओके, और इसमें थोड़ा सा दही ऐड किया है। ये अच्छे तरीके से मैरिनेट हो चुका है, मतलब मैंने 10-15 मिनट रखा है। अगर आपको इंस्टेंट चाहिए तो आपको तुरंत ही मैरिनेट करके ट्राई करना। अगर उसको चाहिए तो आधा घंटा भी रख सकते हो, 10 मिनट भी, कितना हो सकते हो। ओके, जो ऑयल उमर का बहुत ज़्यादा ही फ्राई हो रहा है, तो उसको मैं थोड़ा स्लो करती हूँ। अब इसमें ऑयल डालेंगे, जिसमें चिकन डाल दूँ, सारा एक साथ ऐड कर देंगे। ओ, ये बहुत ज़्यादा हो गया, फिर रख देते हैं, फिर थोड़ी देर बाद इसको हल्का सा पलट देंगे, ऐसे छोड़ देंगे। अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है, अब इसको हम क्या करेंगे, ये रहा बटर। अभी इसमें हम ऐड कर देंगे बटर, हाफ है। और ये मैंने ग्राइंड कर लिया है अच्छे तरीके से, जो था फ्राई वाला। और इसमें हम ऐड कर देंगे, इसमें हमने रेड चिली मिर्च और हल्दी और सॉल्ट ऐड कर दिया, तरीके से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद ये चिकन को इसमें ऐड कर देंगे। इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे, ठीक है। तो चिकन ऐड करने के लिए सबसे पहले हम चिकन इसमें ऐड कर रहे हैं। क्या करेंगे इसको ना, ये कसूरी मेथी को थोड़ा सा कसूरी मेथी ले लेंगे, इसको हल्का सा रोस्ट करेंगे, ठीक है। और ये जो एक्स्ट्रा ऑयल है इसको हटा देंगे, इसमें ऐड नहीं करना है। कसूरी मेथी थोड़ा सा रोस्ट हो रहा है, जब इसको आप रोस्ट करके ऐड करोगे ना किसी में, तो उससे और मतलब इसकी स्मेल जो होती है इनहेंस बहुत अच्छी करती है। ये हो गया, अब इसमें हम बटर, सो हमारा बटर चिकन रेडी हो चुका है, आप देख सकते हो लाइक यम यम।